नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो एक क्लिनिकल सेटिंग में ये सारी एडवाइस दी जाती है पेशेंट को। काफ़ी बार होता है ऐसा है कि ये क्लिनिकल सेटिंग वाली एडवाइस आपके किचन तक नहीं पहुंच पाती है। सो इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ ईटिंग राइट, वी आर कमिंग टू योर किचन एंड गिविंग यू द एडवाइस इन योर किचन, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ है रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक आर्या। हेलो सर। हेलो कोमल। एंड बंटी जो एक पैशनेट कुक है। हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे आमला के बारे में। जनरली वी नो कि दिस आर रिच इन विटामिन सी, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सर क्यों ना इसके बारे में और थोड़ी हेल्थ बेनिफिट्स जानी जाए। आमले के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि आमला जब हम देते हैं तो ये हमारा शुगर और LDL कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में मदद करता है। एंड इट इज़ अ पब्लिश्ड आर्टिकल विच इज़ बीन सीन इन मेडिकल जर्नल। साथ ही में इसके जो विटामिन सी हैं वो काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, जो हमारे सेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं उनको क्लियर करने में काफ़ी मदद करता है, तो जिसके लिए ये हेल्थ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमको पता है कि आमला इज़ डेफिनेटली अ हेल्दी प्रोडक्ट। जनरली जब हम यूज़ करते हैं तो इसके जूस बनता है या इसका पाउडर बनता है या कच्चा खाया जाता है। सो डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड जिससे हम इसकी रेसिपी बना सकें? आज मैं आपको बताने वाली हूँ आमला राइस, जो एक बहुत दिलचस्प रेसिपी है। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में और देखते हैं ये रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आमला राइस, तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ब्राउन राइस बॉईल करके रखे हुए हैं, आमला है ग्रेट करके रखा हुआ है, मस्टर्ड सीड है उसको भी मैंने पीस के रखा हुआ है, जिंजर है, जिंजर का पेस्ट, मिर्ची है, करी पत्ता है, उड़द की दाल है, चने की दाल है जो मैंने भिगो के रखी हुई है, और पीनट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप एक पैन गर्म कर दीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तेल गरम हो चुका है, इसे मैं डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि हम लोग मस्टर्ड सीड का पाउडर यूज करने वाले हैं, तो आप ज्यादा मत डालिएगा। अब मैं डालूंगी इसमें चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल, पीनट्स, ये मैंने एक एक टेबलस्पून जितना लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये दाल रोस्ट हो चुकी है, तो चलिए डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैं इसमें डालूंगी करी लीव्स, ग्रीन चिली, अदरक का पेस्ट, ये सिर्फ अदरक का पेस्ट है, इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है। इसे हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड आमला, इसे मैं 1 कप जैसा ले रही हूं। हल्दी, मिर्च, इसमें डालूंगी सॉल्ट। ये आमले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सीड्स जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। अब मैं डालूंगी ब्राउन राइस जो कुक करके रखा है। इतना चटपटा डिश है क्योंकि आंवले का जो खट्टापन एकदम अलग होता है नींबू से, तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे जरूर बनाइए। आंवला राइस तैयार हो चुके हैं, मैं इंजॉय करती हूँ ये चटपटी रेसिपी, और आप भी घर पे बनाइए, मुझे बताइए कैसे लगी। इफ यू रियली लाइक माई रेसिपी प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।